भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी ज्यादा घातक विस्फोटक वार्म मुकाबला। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ा करके रख दी। जो आज तक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भी अपनी आंखों पर एक पल के लिए भरोसा नहीं होगा। खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी हैरान रह गए हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने जब इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला। यहां पर भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। मैदान पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और वहीं 3 आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा और काफी घातक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने लगे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो रहे थे। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए शुरुआत में ही। लेकिन रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली भी बखूबी रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे। रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर के आप सभी को बता दें कि छठवें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोककर पाकिस्तान के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। यानी कि जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए, जो कोच राहुल द्रविड़ न कर पाए, वो रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले में कर दिखाया और पाकिस्तान के कप्तान और गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी तो वहीं विराट कोहली भी छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया तो वहीं 8वें ओवर में फिर घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने मैदान पर 3 छक्के और 3 चौके फिर ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा 9 ओवर तक जाते आते 112 रन ठोक चुके थे और अभी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम काफी ज्यादा हैरानियत में थे और परेशानियत में थे। लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा 10वें ओवर की 4थी बॉल पर झटका लग गया। आप सभी को बता दें कि भारतीय दिग्गज खूंखार विस्फोटक खिलाड़ी विराट कोहली जब आउट हुए तो भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया। लेकिन फिर मैदान पर सूर्य कुमार यादव जैसी आंधी आई। आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है, वो आंधी है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को कब कितने समय धो दे किसी को भी नहीं पता है। अगर सूर्य कुमार यादव पिच पर मैदान पर है तो हारी हुई बाजी कब जीत में पलट जाए और सामने वाली टीम के ऊपर अच्छा खासा दबाव भी रहता है। सूर्य कुमार यादव ने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की। इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था तो वहीं रोहित शर्मा भी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को जम करके धो रहे थे। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। यहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज और कोच रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका यहाँ पर जब लग गया 238 रन ठोकर के हिटमैन रोहित शर्मा आउट हुए। हिटमैन रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर शिवम दुबे का तूफान देखने को मिला। जी हाँ, शिवम दुबे ने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से रोहित शर्मा नहीं बल्कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने लगे। सूर्य कुमार यादव अब रोहित शर्मा का किरदार निभा रहे थे और सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को जम करके धोरे
रहे थे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा चुकी थी, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाजों को धूल चटा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुमते 5 छक्के ठोक दिए, जिसको देख करके पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम हैरानी पर पड़ गए। पाकिस्तान के गेंदबाजों को ऐसा लगा कि यहाँ पर एक खेल नहीं, कोई हमें खिला रहा हो। आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे जब आउट हुए तो भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि मैच 25 रन बना करके शिवम दुबे आउट हुए तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लग गया था। लेकिन फिर 14वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाने वाला बल्लेबाज आया, यानी कि रिंकू सिंह। वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता। रिंकू सिंह को भारत का दूसरा महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है, क्योंकि रिंकू सिंह का रिकॉर्ड बना है कि रिंकू सिंह अगर अभी तक 20 मैच खेले तो सिर्फ इसमें 4 या 5 मैच में ही उसको किसी ने आउट कर पाया है। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही छक्के से शुरुआत की और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव का साथ देते रहे और दोनों बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में डट कर बल्लेबाजी करते रहे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब सूर्य कुमार यादव जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए और मैदान पर एक खोखार विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने बांग्लादेश और आयरलैंड और दिग्गज टीमों को सपेट दिया है। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। हार्दिक पांड्या ने यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम के फिल्टर खोल दिए। हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले को लहराते हुए 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुमते 6 छक्के ठोक करके रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रह चुके हार्दिक पांड्या का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था आईपीएल में और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन अब मैं सभी फैंस और सभी टीम से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हार्दिक पांड्या के लिए शोरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि हार्दिक पांड्या काफ़ी होनहार विस्फोटक बल्लेबाज है जो हमारी भारतीय टीम की शान है और जो खिलाड़ी है जो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाता है। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी तरीके से चलता रहा और लेकिन जब यहां पर रिंकू सिंह आउट हुए तो पाकिस्तान के गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा फुद गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऋषभ पंत भी मैदान में आने के बाकी है। ऋषभ पंत एक काफ़ी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है जिसने मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से कहर बरसा देता है। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज मिलकर के काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को जम करके धोने लगे। पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम ने हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक शेर की तरह डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इनकी बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि मानो तूफान सा आ गया हो, ये क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी खेल रही हो। इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में डट कर बल्लेबाजी की, जहां पर ऋषभ पंत ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, तो वहीं 20वें ओवर में तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के फिर ठोक दिए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ महज 4 ओवरों के भीतर ही 55 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और ऋषभ पंत ने भी 35 रन ठोक दिए, जहां पर भारतीय टीम के दिग्गज महाखूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की टीम के सामने एक रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरी तो हर्षदीप सिंह ने पहले ही एक ओवर में एक विकेट छटका दिया, जहां पर 4थे ओवर में यॉर्कर के बादशाह कहे जाने वाले बुमराह ने 3रे और 4थे ओवर में एक विकेट छटका दिया, जहां पर कुलदीप यादव ने 5 ओवर में 2 विकेट छटकाए और जहां पर रविंद्र जडेजा ने 8वें ओवर में 2 विकेट छटका दिए, जहां पर धीरे धीरे भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक गेंदबाज रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आप सभी को बता दें कि यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज कुलदीप यादव ने पूरी की पूरी टीम को 18 ओवरों के भीतर ही समेट दिया, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लिया। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच एक जो है वार्म अप था, रियल मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ईश्वर से दुआएं कामनाएं बना रही कि हमारी भारतीय टीम जीते।